कहते क्या है हम तुम्हारे? कौन है, कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। क्या है? मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। राधे श्याम में प्रभास के लवर बॉय अवतार को देख लड़कियों पर क्यों छाया है दीवानापन। नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका पॉलीग्राड स्टूडियोज में। राधे श्याम में प्रभास को अपने दशक पुराने लवर बॉय अवतार में लौटता देखा जा सकता है। बहुत सारी एक्शन फिल्में करने के बाद वह एक दशक के बाद रोमांटिक रूप में लौट कर आ रहे हैं। राधे श्याम में इस लवर बॉय रूप में वापसी से उनके फैंस, खासकर लड़कियों पर दीवानापन छा गया है और सोशल मीडिया पर उनकी प्रशंसक लड़कियों को अभिनेता के प्यार में पागल हो रहा देखा जा सकता है। राधे श्याम जो 30 जुलाई 2021 को रिलीज के लिए तैयार है, हाल ही में उस फिल्म का टीजर सामने लाया गया है और तब से लड़कियों को प्रभास के अवतार में देखकर उनका मन नहीं भरा गया है। सोशल मीडिया, मेरी जान, लव यू, 30 जुलाई का इंतज़ार है, इस तरह के अन्य टिप्पणियों से भर गया है। प्रभास का स्टारडम ऐसे ट्रीटमेंट के लिए नया नहीं है, क्योंकि पोस्टर 1 और पोस्टर 2 रिलीज होने पर से उनका महिला प्रशंसकों से इसी तरह से प्रतिक्रियाएं आई थी। एक पोस्टर में वह अपने पुराने वाले लवर बॉय के अवतार में और दूसरे में बिल्कुल चॉकलेट बॉय लग रहे थे। पहले दशक में हमने प्रभास को एक्शन मूवी में देखा है और उनकी फिल्मों के साथ उनके फैंस के प्यार और समर्थन की वजह से ही वह अभी इस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। अभिनेता अब तक व्यस्त व्यक्ति है, क्योंकि बहुत सारे फिल्म निर्माता उनके साथ काम करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते उनकी फिल्म सल्लार की रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई थी और उनके प्रशंसकों से देरो क्रेजी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थी। प्रभास के पास वर्तमान से 4 पैन इंडिया फिल्में हैं और उन्होंने अपना लॉकडाउन स्क्रिप्ट्स को साइन करना और पढ़ने में बिता दिया है। आदि पुरुष, राधे श्याम, सल्लार और दीपिका पादुकोण के साथ एक नया अनटाइटल्ड मूवी, सभी फिल्में पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स ही हैं। वह अपनी आगामी प्रोजेक्ट्स जैसे कि पौराणिक कथाओं, रोमांटिक ड्रामा, साईफाई और सल्लार की अनरिवील शैली के साथ विभिन्न शैली की फिल्मों में अभिनय करेंगे। क्या आपका प्यार दीवानापन बन गया है? दीवानी अच्छी बात है, किसी के लिए प्यार में पागलपन आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। हम आपको बता रहे हैं वे लक्षण जिनसे पता चल जाएगा आपको कि कहीं आपको प्यार है या फिर दीवानगी है किसी से। हमेशा उसकी तरफ देखना और हमेशा उसकी तारीफ करना, इसका पहला लक्षण है उसकी खूब तारीफ करना। अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को कॉम्प्लीमेंट देना तो ठीक ही है, लेकिन अगर आप हर वक्त उसकी तारीफ करते रहते हैं और उसके बारे में ही बात करते रहते हैं तो आपको खुद को संभालना, दूसरों से बात करते देख नाराज हो जाना। अगर आप हमेशा उसे दूसरी लड़कियों या लड़कों से बात करते देख नाराज हो जाते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। अगर आप उसे प्यार करती है तो उस पर भरोसा भी रखिए। हमेशा ब्रेकअप की चिंता करना यह निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा लक्षण नहीं है। अगर आपको हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि आपका उससे ब्रेकअप हो जाएगा तो आपको अपने रिश्ते पर नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है। किसी भी रिश्ते में होने का मतलब है कि आप खुद को सुरक्षित समझें और आपको लगे कि वह आपको प्यार करता है।
आप उसे पर्याप्त स्पेस नहीं देती है। यह सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप उसे पर्याप्त समय और स्पेस देते हैं या नहीं। आप उसे बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वह अपना सारा समय आपके साथ ही गुजारे। एक दूसरे से थोड़ा समय अलग होने के बाद जब फिर से मिलते हैं तो आप दोनों को ही एक विशेष अनुभव होता है। ज़रूरत से ज़्यादा उसे चिपकने की कोशिश मत कीजिएगा, उसे स्पेस दीजिए, वरना वह आपसे उबकर आपसे दूर चले जाएगा। तो क्या आप ये लक्षण महसूस करते हैं या आपने ये लक्षण किसी में देखे हुए हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये इन्फॉर्मेशन भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।